नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री अमृताज किचन में। आज की रेसिपी है मशरूम पकौड़े। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मशरूम पकौड़े बनाने के लिए हमने 100 ग्राम मशरूम लिया है, उसे अच्छे से धुल लिया है और अब इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं और हाई फ्लेम पर मशरूम को उबालना है। 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा उबालने में। तो देखिए, उबाल आ चुका है मशरूम में, 3 से 4 मिनट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और मशरूम को छान लेते हैं छन्नी में। तो मशरूम को हमने छान लिया है, अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। जब तक मशरूम ठंडा होगा तब तक इसका घोल तैयार करेंगे। तो घोल के लिए हमने 3/4 कप बेसन लिया है और इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हमने सोडा ऐड किया है, बेकिंग सोडा। और अब इसमें 1/4 कप सोया ग्रेनुअल्स है। मैंने सोया चंक्स को ही पीस कर तैयार किया है, मार्केट में सोया ग्रेनुअल्स आराम से मिल जाता है। और हरा धनिया डाल देते हैं, साथ में ही स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और 1 चम्मच तेल ऐड कर लेते हैं। तेल आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो 1/2 कप पानी मैंने इसमें अभी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए अलग रख देते हैं, थोड़ा ये जो सोया है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, 5 मिनट के बाद गाढ़ा हो गया है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो घोल तैयार हो गया है पकौड़े का, देखिए कुछ इस तरीके का होना चाहिए। चम्मच के ऊपर कोटिंग हो रहा है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे मशरूम बॉयल किया हुआ और साथ में ही हमने सोया चंक्स को ही पीस कर तैयार किया है इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए। आप चाहें तो सोया ग्रैनुअल्स ले सकते हैं या ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। तो एक मशरूम को हमने अच्छे से डीप कर लिया है, अब इसे हम सोया ग्रैनुअल्स में कोटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, हमने अच्छे से कोटिंग कर दिया है इसके ऊपर और अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं गर्म तेल में 5 से 6 मशरूम को फ्राई करेंगे। तो मशरूम में अच्छा सा कलर आ गया है, सुनहरा हो गया, इसे थोड़ा सा और सुनहरा कर लेते हैं। तो देखिए, मशरूम के पकौड़े तैयार हो गए हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे हरी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे और भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।